हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन बैंक पे। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हमने आपके लिए जो एमए एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट है उसके फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट डिस्कस करा है। तो सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने आपके जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है, जो अब आगे जनवरी 2021 सेशन में एडमिशन लेंगे। तो आप देख सकते हो जो जुलाई 2020 में जो जिन्होंने एडमिशन लिया है उनके लिए ये लास्ट डेट इसकी 31 मार्च 2021 है, और जो अब आगे एडमिशन लेंगे या फिर अगर आप ये वीडियो बाद में भी देख रहे हो जनवरी 2021 के बाद में, तो उनके लिए जो ये डेट है लास्ट सबमिशन की वो 30 सितंबर 2021 है। और ये जो पेपर कोड सेकंड है इसका नाम है MANI002 फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, यानी मानी 002। तो इसमें आपको क्या है, 100 नंबर का ये असाइनमेंट है। इसमें आपको दो सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो इन सेक्शन में से आपको प्रत्येक सेक्शन में से दो प्रश्न करना अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है। तो आपको हर सेक्शन में से दो प्रश्न तो करने ही है, इसके अलावा आपको टोटल 5 प्रश्न करने हैं। मतलब आप किसी सेक्शन में से 3 कर सकते हो किसी में, और एक में से, और जैसे मान लो आपने सेक्शन ए में 3 प्रश्न करे तो आपको सेक्शन बी में 2 प्रश्न करने होंगे। अगर आपने सेक्शन ए में 2 प्रश्न करे तो सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न करने होंगे। तो मतलब आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, और ये ऑप्शनल दे रखे हैं। मान लो आपने 5 प्रश्न दे रखे हैं तो 5 में से किसी 2 का या 3 का उत्तर आपको देना है। तो फ्रेंड्स, ये हार्ड जो क्वेश्चन होगा वो आपके 20 मार्क्स का होगा। तो जैसे ही आप 5 प्रश्न करोगे तो ये आपका असाइनमेंट 100 नंबर का हो जाएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने इस असाइनमेंट में आपके लिए डिस्कस किया है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सबसे पहले हमने ये जो सेक्शन ए में से ये 3 प्रश्न लिए हैं आपके लिए, और सेक्शन बी में हमने आपके लिए जो लिए हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर 6 लिया है और क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। तो आपके 5 प्रश्न हो गए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आंसर नंबर 1, ये है फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड। और फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान रखना है ये जो प्रश्न है ये आपके 500 शब्दों में ही होने चाहिए, या थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपको इस असाइनमेंट के प्रश्न ज़्यादा बड़े लगे तो आप अपने हिसाब से इसको छोटा भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो अब आंसर नंबर 2 है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन प्रीमेट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आंसर नंबर 3 शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। अब अपन सेक्शन बी जो है वो शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मतलब अब हमको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए जो आंसर नंबर 6 है और आंसर नंबर 8 है सेक्शन बी का, वो प्रोवाइड कराया है। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है आंसर नंबर 6। तो फ्रेंड्स आपका आंसर नंबर 6 ख़त्म होता है। अब आंसर नंबर 8 शुरू करते हैं। मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मानी 002 जो कोर्स कोड है एमए एंथ्रोपोलॉजी का, वो कंप्लीट होता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।